ఉచి పుంఛ, ఉచి ఉంఛ, ఉంఛతి. ఉచి మే క్యా హోగ్యా, ఉచ్చతా సే ఈ తో నుమ్ దాతో హో, నుమ్మాగమ్ హో గ్యా, అనుస్వార ప్రసరణ హో గ్యా, ఉంఛ నియమ బన్ గ్యా. ఉంఛ లట్ టిప్ శ ప్రాప్తి శ శ కకార్ ఉంచ్ అతి మిలా దియా, ఉంచతి ఉంచత ఉంచంతి, ఉంచసి ఉంచత ఉంచత, ఉంచామి ఉంచా ఉంచామ. ఉంచ దశ లిట్ లకార్ జబ్ లాగే తో పహలే తిత్తు అధికారి నీ హోగే, ఆమ్ హో జాయే. कि उंच क्या है, इजादी है और गुरुमान भी है. गुरु संयोग हो जाएगा, संयोग है गुरु. अच्छा इजादी गुरुमान से आम हो गया, उंच आम लिट. इजादे से गुरु मतो अंडरिच्छा और आम हसुद से लिट का लुक हो गया. उंच आम मिला दिया, उंच आम, आम अंत का अब क्या होगा, क्रीचारु प्रजित है लिटी, क्री का अनुप्रयोग हो गया. उंछाम क्रीद लिट, बाकी शेष कार्य पूर्वक जो पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही होगा. उंचान चकार है, उंचान चक्र तो उंचान चक्र हो, उंचान चक्र था उंचान चक्र तो उंचान चक्र, उंचान चकार है उंचान चक्र, उंचान चक्री मो, उंचाम बबू हो उंचाम बबूवतु, उंचाम बबू हो उंचाम बबू भी था उंचाम बबूवतु, उंचाम बबू उंचाम बबू वा उंचाम बबू बीवा उंचाम बबू बीम, उंचा मास उंचा मास तो उंचा मासु, उंचा मासी तो उंचा मास तो उंचा मास, उंचा मास उंचा मास उंचा मास मो, उंचिता उंचिता रो उंचिता सेठ दातु होने से है ना, सेठ दातु वा छांतों में एक ही गिना प्रच, बाकी कोई छांत अनिट होता नहीं, सब सेठ होते हैं. इसलिए उंचिता उंचिता रो उंचिता रह, उंचितासी उंचितास्त उंचितास्थ, उंचितास में उंचितास उंचितास मह, उंचिशति उंचिशत उंचिशन्ति, उंचिशति उंचिशत उंचिशद, उंचिश्याम उंचिशा उंचिशाम, उंचत उंचदात उंचदा उंचन्तो, उंच उंचदात उंचतम उंचद, उंच उंचानि उंचा उंचाम. औंचत बनेगा क्योंकि आठ तमस्य पिच, आठ लगेगा आजादी होने से, आठ से वृद्धि होगी. औंचत औंचताम औंचन, औंच औंचतम औंचद, औंचम औंचा उंचाम. उंचेत उंचेत उंचेताम उंचेयु, उंचे हे उंचेत उंचेत, उंचेयम उंचे उंचे, उंच्यात उंच्यास्त उंच्यासु, उंच्यः उंच्यास्त उंच्यास्त, उंच्यासम उंच्यासु उंच्यासु. औंचित माने आठ होगा, इति इति से सूचक लोप. औंचित औंचित औंचिष्ठाम औंचिषु, औंचिहि औंचिष्ठम औंचिष्ठ, औंचिषम औंचिषु औंचिष्म, औंचिष्यत औंचिष्यताम औंचिष्यन, औंचिष्यः औंचिष्यतम औंचिष्यत, औंचिश्याम औंचिश्याम औंचिश्याम. इसे मूल में इतना लिखा, उंचा कणशा आदानम कणिशाद्यर्जनम शिलम इति यादव. एक यादव कोश है, उस कोश में शब्द कर लिखा उंचा कणश आदान. उंचा उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया में व्यक्ति कण कण को ग्रहण कर संग्रह करता है, और संग्रह करता ही नहीं उसके आधार पर अपने जीवन चलाता है. उस व्यक्ति को कहने शिलवृत्ति वाला है वो. कणाशी कणिशाद्यर्जनम शिलम, कणिशादि का अर्जन करता वो जीवन यापन करने वाला जो होता वो शिलवृत्ति वाला कहा जाता. रिच्छ गति इंद्रिय प्रलय मूर्ति भावेश, रिच्छ धातु आता है यहां चकार का कार इत संज्ञक है और उदित होने से परसेपदी हो गया. रिच से लट तिप अधिकारी प्राप्त है, उसके बाद श हो गया. रिच्छति रिच्छत रिच्छति बनाना है, इसका अर्थ दिया गति, गति माने जाना, और इंद्रिय प्रलय इंद्रियों का नाश माने अंधा लंगड़ा लूला और इंद्रिय नष्ट हो गया, इंद्रिय का व्यापार खत्म, उसको ले लेना. मूर्ति भावेश हो निष्ठे निश्चेष्ट बन जाना, जैसा जो सोया पड़ा है तो मूर्ति भाव में पड़ा होगा, ध्यान स्थित मूर्ति भाव स्थिर बैठा हुआ हिल नहीं रहा है निश्चेष्ट अवस्था, उसको मूर्ति भाव करते. इन तीन अर्थों में रिच्छता तो प्रयोग होता है इसका. अपने आर्चक लुंग लकार के वचन गुरु आपने हल संधि का अंत में दिखाया है पदांतात द्वा में. पदांतात किम, पदांतात किम आर्चत ऐसे बोला था वहां पर है ना, इसी धातु पर उत्ता हो. अब रिच दास लट तिप शब प्राप्त रिच आती मिला दीजिए, रिचद रिचद रिचंती, रिच से रिचद रिचद, इच्छा में इच्छा व इच्छा. रिच दास से लिट लकार रिचधन लिट, रिचधन लिट इस अवस्था में कहते हैं क्षत्रियताम गुण, क्षत्रियताम से क्या होगा गुण होगा, गुण को क्या होगा रि को गुण हुआ तो अर्च, अर्च
धन अ, क्योंकि पुगंत लघुपद नहीं रहेगा ना, कि च छ का संयोग है, संयोग से क्या होगा, संयोगी गुरु हो गया, लघु उपदान मिलेगा, गुण प्राप्त नहीं था, इसे एक सूत्र विशेष अलग ही बना दिया, उसे इच्छति प्रकार दिया, इच्छति रीता, उस सूत्र से लिट में गुण कर दिया, गुण से अर्च धन लिट, लिट को तिप तिप को नल नल का अर्च धन अ, अद्वितीयाधिकारी करो पूर्वाभ्यास आदि शेष करने के बाद में क्या हो जाता है, आ अर्च अ, आ अर्च अ, उस स्थिति में आप कहेंगे तस्मान उठ द्वारा, क्योंकि अतः आदेश से आपने अभ्यास के आकार को दीर्घ कर दिया, अ को गया अभ्यास में आ, आ अर्च दीर्घ हो गया, तस्मा दीर्घीभूता द्विहलो नुडागम स्यात् बोला था, है तस्मा नुट द्विहला सूत्र से नुट आगम होना चाहिए था, तब प्रश्न उठा भाई वह सूत्र द्विहल का है, यहां तो तीनल हो गया, रेफ है, च है, छ है, उस पर लिखा मूल में द्विहल ग्रहण से अनेकल उपलक्षण प्राप्त नॉट, द्विहल जो ग्रहण किया है वो अनेक हल का उपलक्षण है, इसीलिए नुट हो जाएगा, नुट का हुआ आदि टिकित अर्च के आदि नर्च हो गया, आ और नर्च मिला दीजिए आकार को भी नर के आकार, तो आनर्च आनर्च तो आनर्च हो, आनर्चित अनर्च तो आनर्च, अनर्च अनर्च अनर्चिम, और रिच धातु से क्या होगा, रिच दंता किसी में वला लक्षण होने पर रूप बनता है, आठ हो गया, आ रिचदन लंग लंग को तिप तिप कती तस्सी लोप गता हल बच गया, शक प्राप्त शव अशक आ रिच अ त आठ सवृद्धि आर्च अ त मिला दीजिए, आर्चत आर्चताम आर्चन आर्च आर्चतम आर्चद आर्चम आर्चाव आर्चा रिचत रिचदाम रिचेयु रिचेय रिचदम रिचेद रिचेयु रिचेव रिचेव रिचा रिचास मोह हो गया तो लालच हो गया, मेरा होता है, अब उस लोभ में
बात है और लोग विषमता ही है, ऐसी बात नहीं है। बाकी विषमता ही होना कोई जरूरी नहीं, आपके मन में जो कुछ भी हो सकता है बता दो। अब जो चाहेंगे उसको पूरा करना चाहो नहीं चाहो, आपकी अपनी इच्छा का विषय के प्रति आपको मोह है, वो इच्छा गलत करो इसे सही करो। आप हित में है या अहित में, सबका हित में या अहित में कुछ नहीं सोचेंगे ना, आपकी इच्छा करते ही किसी भी विषय की इच्छा करते हैं, उस इच्छा का विषय को क्या मानेंगे आप, अत्यंत प्रियतम चीज है वो मुझे चाहिए। एक के प्रकार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह सब कुछ करते, इसे कहा गया लोग और लोग कार्य कौन है मोह, इसे लोग जाते का अब पाने में मोह होगा, मोह मोह तो लोग होगा, लोग होने से पाप, यदि इच्छा के बाद विवेक चल जाए तो मोह नहीं होगा, नहीं फिर विवेक चल जाए तो प्रकृति होने जरूरी, विवेक चलेगा फिर सोचे, इसलिए मेरा हित है केवल या सभी का हित है, इसमें हिताहित पर विचार करेगा ना वो, तो वे तो मतलब यही हुआ हिताहित क्या है, क्या पर विचार करना है, मैं किस इच्छा को चाह रहा हूं, इस इच्छा का विषय के मार्ग में पूरा कर लू तो कितना टिकेगा, क्या इच्छा विषय के प्राप्त कर सके ना लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उस इच्छा का विषय जो भी उसे प्राप्त करने की कितनों की हानि कर, क्या हुआ हानि इतना को बलि का बकरा बनाना और मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लू तो क्या हुआ लक्ष्य टिकने वाला है, कुलस्य अर्थम एकम त्यजेत्, चाहे कि त्याग में इस ग्रंथ का बनाना हो जाएगा कि त्याग ही वो बदलता है, जब तक अपनी इच्छा का जो विषय है वह विषय की प्राप्ति में लोक हित ना हो तब तक उसका विषय की प्राप्ति करने को नहीं होता, लोक हित होना चाहिए, अपनी स्वार्थ अपनी इच्छा के प्रति अपने सुख के मिलना है, सार्वजनिक हित सामूहिक हित नहीं होना तो उस इच्छा को त्याग नहीं हुए की पुरुष होना, यही तो मुझे नित्य साधना क्या है अध्यात्म में गाय अध्यात्म प्रगति का आधार शिला यही है, मन में तो वासना में इच्छा करती रहती दुनिया में, आपको फालतू की इच्छा नहीं करते, हर इच्छा को पूरा करने लग जाओ क्या नाम सा विषय को भी प्राप्त करना पड़ जाए, उन्हें हासिल करने में कितना को परेशान करना पड़ेगा, तो हम पाप बढ़ा रहे हैं तो अध्यक्ष प्रवृत्ति हो सकती है, इसे मुख्य चीज है इच्छा पर विवेक करना, जो भी लच्छा छोटी से छोटी चीज लच्छा तो उस अपने चार से पूर्ति होने पर उससे किसका लाभ होगा, केवल मेरा लाभ व्यक्ति का खुद मेरा लाभ होने वाला होगा, अरे व्यक्ति का लाभ होने पर भी जनहित का लाभ उसमें हित निहित हो तब भी ठीक है, केवल व्यक्ति का लाभ से यदि लाभों का लाभ पहुंचने वाला भी हो तो सही व्यक्ति का लाभ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपना ही लाभ हो रहा है किसी कुछ नहीं लाभ पहुंचने वाला है, ऐसी इच्छा का त्याग लें, नहीं ऐसे नहीं, मन चिंतन करने वाला ही अधिक दूसरे का सोच सकता है, पहले आपके लाभ होने फिर आप अपना चिंतन
दोष दिखा रहे हैं। रहने वालों को समझ रहा है मेरे जैसे से भी थोड़ी, मेरे बराबर से थोड़ी, मैं जिस काम को कर सकता हूँ तो कोई जो भी वो काम दूसरा भी करे, मैं उसको भी रगड़ दूँ उसी काम में। फिर उसकी अपनी क्षमता अलग है, बौद्धिक सामर्थ्य अलग है, मानसिक सामर्थ्य अलग है, शारीरिक सामर्थ्य अलग है, संस्कार वासनाएं हर व्यक्ति अलग अलग होता है। जब कौन कौन किस कार्य को कर रहा है वो अपने कार्य अपनी सेवा समय कर, बस ये जो मैं जो कर रहा हूं वो भी करना ही चाहिए, ये गलत समझ। तो उससे जो काम होना है उसे काम लिया जाएगा, तुम जो करो वही वो भी करे, कोई जरूरी उनको कह सकते तुम बैठे जब करते हो, हम लोग जा रहे हैं लड़ाई करने, तुम बैठ जब करते हमारी हित के, हम जिद्दी लोग हैं। तब सूत्र आता है तीस सा लुभ रुष निशा,
टी में टी बार करना पड़ेगा, ऐसा है वहां पर टी और ईशा जो भाई इत्यादि टी सप्तमी का एक वचन और ईशा सार्वभौम ये पंचमी का एक वचन संकेत कर देना तीस लग रहा है विभाजन कर भी पंच कर रहा है सप्तमी वचन लग रहा है शेष पंचमी का एक वचन ट्रिपेट 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 ट्रिपेट
त्रिप्याय त्रिप्यासं त्रिप्यासो त्रिप्याय त्रिप्यासं 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 त्रिप्यास्वा त्रिप्यास्व अतर्पीत अतर्पिष्टाम अतर्पिशो अतर्पीह अतर्पिष्टम अतर्पिष्ट अतर्पिशम अतर्पिशो अतर्पिष्म अतर्पिष्यत अतर्पिषताम अतर्पिष्यन् अतर्पिष्य अतर्पिषतम अतर्पिषत अतर्पिषम अतर्पिष्य अतर्पिष्याम त्रिम्फ धातु। त्रिम्फ धातु में जो म दिख रहा है वो न है वास्तव में, अनुस्वार और प्रसवण हो गया था, इसलिए क्या होगा त्रिम्फ के वो नकार का लोप हो जाएगा। शेत त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य से इसे नुम करना पड़ेगा, नकार का लोप कौन करेगा अनिताम हलोपदया किंगिदी, अनिताम हलोपदया किंगिदी पढ़ा था ना बहुत पहले हलंत पुलिंग में, प्रांग प्रांचो वगैरह जब बनाए थे अंचु धातु में लगाया था, और इदित से आया हुआ नुम को लोप नहीं कर सकता। अनिदिता जो इदित से आगम नहीं हुआ है, ऐसा जो प्रतिपदोक्त जो धातु में ही प्रकृति में ही विद्यमान जो नकार है उसको लोप करता है, कित गित प्रत्यय करता है। यह श क्या है गित है, गित होने से न का लोप हो जाएगा। अब फिर दोबारा नुम कैसे करेंगे हम, उसमें तो है नहीं शे मुचादि नाम करने के लिए, मुचादिगण में नहीं है बाहर है ये, तो क्या करोगे तो वार्तिक लाया शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य। शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य प्रत्येक पर्व त्रिम्फादि या त्रिम्फादि से कोई गण नहीं समझना, यह आदि शब्द प्रकार अर्थ में है क्रमश अर्थ में। इसे धातु पाठ में देखो त्रिम्फाया उसके बाद नंबर कौन सा है उसको भी नुम कर दो, ऐसे गड़बड़ नहीं करना है। धातु पाठ में त्रिम्फादि क्रम में जो पटित धातु हैं उन क्रम में पटित धातुओं को नुमागम नहीं करना, क्योंकि जहां जहां ऐसे दिखाई देता है कैसे जैसे यहां हुआ, क्या हुआ यहां पे या क्या हुआ नकार को अनुस्वार करके परसवर्ण कर दिया गया है ना, ऐसा जिस धातु में हुआ हो इस गण में शा प्रत्यय पड़ते हुए उन्हीं धातुओं का करना नुमागम ना, जिस धातु में नकार था उसको अनुस्वार करके परसवर्ण कर दिया गया, ऐसे जो धातुओं का नकार लोप करोगे आप अनुसार प्रसरण असिद्ध होने से अन्यता मलोपदाय सूत्र से क्या होगा नकार लोप हो जाएगा, तो त्रिफ बचा है ना उसको नुम कर दे। इस प्रकार के जितने धातु हैं इस गण में उन सभीओं को आप नुम करेंगे, इसे क्रम से नहीं लेना, धातु पाठ का क्रम से त्रिम्फादि को नहीं लेना। इसे कहते देखो आदि शब्द प्रकारे प्रवृत्ति अर्थ में नहीं है, आदि शब्द क्या अर्थ में प्रकार अर्थ में, आदि शब्द का अर्थ प्रवृत्ति नहीं, यह इससे अगला 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 करके नहीं लेना, इससे अगला उससे अगला उससे अगला क्रम होता है ना, क्रम प्राप्त के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते प्रवृत्ति संस्कृत बोला जाता है, और प्रकार का मतलब क्या इसके जैसे जो है उनको लेना क्रम को छोड़ना, इसे आदि शब्द प्रकार है तेना यत्र नकार अनुशक्ता ते त्रिम्फाद, इसे जो जो धातु इस त्रुधादि गण में जो जो धातु नकार से अनुशक्त है अनुस्वार परसवर्ण आदि हुए हैं जो उन सभी को त्रिम्फादि में ले लेना। तब प्रश्न उठेगा इसका क्या पहचान है, पहचाने की कैसे पहचानोगे कैसे कि यहां पर नकार था और अनुस्वार परसवर्ण हुआ है यहां नहीं हुआ है, ये तय कैसे करोगे, एक श्लोक दिया उसके लिए नकार जानुस्वार पंचमौ झलिधातुषु झलिधातुषु मुख्य पॉइंट, धातुओं में अंतिम अक्षर को देखो कौन सा और झल है क्या, यदि झल है तो समझ रहे नकार को अनुसार प्रसन्न होगा कि नश्च पदांत से झलि कह दिया नकार रजौ अनुस्वार पंचमौ, अनुस्वार वह हो या पंचम वर्ण भी दिखाई दे, कई बार होता है ना पंचम वर्ण करने लगने यही से बाहर वाला है, यही से बाहर का मतलब क्या अंत में झल है, झल मने श श सभी झल में आता है, और उसे परसवर्ण क्या करोगे परसवर्ण कुछ होगा नहीं कि यही से बाहर है ना, यही पर में हो तो परसवर्ण होता है, यही से बाहर कौन है श श स ह
ये सब जल में आते हैं, उनके परत प्रसन्न तो होगा नहीं, क्या रह जाएगा? अनुस्वार रह जाएगा। इसे कहते हैं, लेकिन उस अनुस्वार को पहचान लेना, वो भी नकार का ही किया हुआ अनुस्वार है। इसे जल के में भी, जल में दो हिस्सा करना पड़ेगा, ये जो अनुस्वार कहा रहेगा शल, और ये रहेगा झय। झय पर रहते हुए प्रसन्न हो जाएगा और शल में अनुस्वार दिखाई देगा। सब कुछ उसके ऊपर निर्भर है। अंतिम वर्ण यदि शल है तो अनुस्वार दिखेगा धातु के बीच में, यदि अंतिम वर्ण झय है तो प्रसन्न दिखेगा, म दिखेगा, म दिखेगा, ण दिखेगा, य दिखेगा, पंचम वर्ण दिखेगा। तो वर्ग के ऊपर निर्भर है ना। इसे क्या लिख रहे हैं? नकार रजौ अनुस्वार पंचमौ, श्लोक के पहला सवर्ण ज्यादा अक्षर हो जाता ना, इसे पंचमौ लिख दिया। अनुस्वार पंचमौ झलि धातुषु, इसी प्रकार से धातु का बीच में जो शकार, जैसा भी आपने देखा था, कौन सा था वो नहीं आया अभी तक, श है दिख रहा है, वो वास्तव में स है, वो वृष्टि में था शायद, वो वृष्टि छेदने में था। ये जो वृक्ष दिख रहा है ना, ये श, ये दंत सकार के स्थान पर हो रखा है। ये कब कैसे पहचान होगा? यहाँ है जो वो दंत सक हुआ और अन्यत्र कहीं श वो नहीं है, ये कैसे पहचाना आप रहे? वो भी देख रहे हैं, सकारज सकारश्च, सकारज सकारश्च, षाट्टवर्गस्थवर्गज, षाट्टवर्गस्थवर्गज। और जो भी शकार दिखाई देगा स्चू का योग में, ये शकार भी दिखेगा स्चू का योग में, उसको समझना दंत सकार, तो शुना स्चू से हुआ है समझ। और नहीं 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 नहीं, और टवर जो दिखता है कुट्ट धातु दो ट दिख रहा है, लेने तवर से जन्य है या नहीं है, निर्णय कैसे लोगे आप? यदि शकार से पर में है तो वो टवर्ग को तवर्ग जन्य समझना, या नहीं है ना? शकार क्या मूर्धन्य शकार नहीं है। यदि मूर्धन्य शकार से पर में किसी धातु के अंदर ट दिख रहा है तो समझना वो त से जन्य है। मूर्धन्य शकार से पर में तवर्ग दिखेगा तो समझो वो तवर्ग से जन्य। उसी हिसाब से आप सूत्रों को लगाएंगे, वो टकारांत नहीं रहेगा, वो तकारांत रहेगा। श्लोक बना दिया इन्होंने, नकारजावनुस्वार पंचमौ झलि धातुषु सकारज शकारश्च षाट्टवर्गस्थवर्गज, षाट्टवर्गस्थवर्गज, श से पर में आओ जो टवर्ग है उसी को तवर्ग से जन्य समझना। अतएव जो त्रिम्फ है ये कैसा है? जय परक है ना, जल परक है। अतएव इस म को हम समझेंगे अनुस्वार प्रसन्न हुआ वस्तु है, अतएव अनिता हम लोग दया से उसको लोप कर दिया। जब लोप हो गया तो त्रिफ बचा, तो अब ये वार्तिक से निम्न हुआ, निम्न होकर के दोबारा अनुस्वार प्रसन्न होकर बना त्रिम्फति। ये लाभ यहां नहीं दिखता है, अन्यत्र लाभ है। त्रिम्फति त्रिम्फत त्रिम्फन्ति, त्रिम्फसि त्रिम्फत त्रिम्फत, त्रिम्फामि त्रिम्फाम त्रिम्फाव त्रिम्फाम त्रिम्फाव त्रिम्फामः, त्रिम्फ त्रिम्फ तर त्रिम्फ त्रि त्रिम्फ त त्रिम्फ न व्रत लगेगा, तर हो जाएगा त बचेगा, त त्रिम्फ त त्रिम्फ तत्रिम्फदु तत्रिम्फो तत्रिम्फिद तत्रिम्फदु तत्रिफ तत्रिम्फ तत्रिम्फिव 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 तत्रिम्फिम त्रिम्फिदा त्रिम्फिदारो त्रिम्फिदारः त्रिम्फितासि त्रिम्फितास्त त्रिम्फितास्थ त्रिम्फितास्मि त्रिम्फितास्व त्रिम्फितास्मः त्रिम्फिषति त्रिम्फिषत त्रिम्फिष्यन्ति त्रिम्फिषसि त्रिम्फिषत त्रिम्फिषत त्रिम्फिष्यामि त्रिम्फिष्याव त्रिम्फिष्यावः त्रिम्फदु त्रिम्फदा त्रिम्फदां त्रिम्फन्तो त्रिम्फा त्रिम्फदा त्रिम्फदं त्रिम्फदा त्रिम्फानि त्रिम्फाव त्रिम्फाम अत्रिम्फत् अत्रिम्फदाम अत्रिम्फन् अत्रिम्फा त्रिम्फदम अत्रिम्फत अत्रिम्फम अत्रिम्फाव त्रिम्फाम त्रिम्फेत् त्रिम्फेदां त्रिम्फेयुः त्रिम्फेः त्रिम्फेदं त्रिम्फेत् त्रिम्फेयं त्रिम्फेव त्रिम्फेम
त्रिफ्या यहां देखो लाभ दिख रहा है, नकार को लोप हुआ, अब नुम नहीं हो सकता, ये श नहीं है ना पर में। वार्तिककार ने क्या कहा, शे त्रिम्फादिनम वाच्य, श के प्रति हुआ आचर्य में शब्द होगा ही नहीं, त्रि त्रिफ धन यात आश्रय में यास होता ना यात कित कित तो क्या हुआ अनिता मतलब प्रदेश नकार लोप हो गया, त्रिफ और यात बच गया, अब नुम हो नहीं सकता। रूप क्या बनेगा, त्रिफ्या त्रिफ्यास्तान त्रिफ्यासु त्रिफ्या त्रिफ्यास्तम त्रिफ्यास्त त्रिफ्यासम त्रिफ्यास्म त्रिफ्यास्म अत्रिम्फित अत्रिम्फिष्टाम अत्रिम्फिशु। या नकार का लोप होने नुम हुआ क्या, नकार का लोप हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, कौन सूत्र से, कौन सूत्र से, अनिता मलुक दया सूत्र से, उसका दोबारा नुम किया आपने, लट लकार में आपने क्या किया था, किया था ना, दोबारा करने पर वैसे वैसे दिखा, पहले जैसे था वैसे ही दिखाई दिया था, इसलिए आप सोचेंगे क्या लाभ हुआ, अब फर्क दिख रहा है कि नहीं, यहां दोबारा आप कर ही नहीं सकते, इसीलिए लोप करने का लाभ यहां दिख रहा है, वहां लोप करने का लाभ नहीं दिखाई दिया, ये दिखा शक आए पर मैं हाँ। वो क्या कहा था, शे त्रिम्फादी नाम नुम्बाचा तो फिर श नहीं है त्रिफ्या त्रिव्यासम त्रिव्यासो त्रिव्या त्रिव्यासम त्रिव्यास्त त्रिव्यासम त्रिव्यास त्रिव्यास्म अत्रिम्फित अत्रिम्फिष्टाम अत्रिम्फिशो अत्रिम्फिः अत्रिम्फिष्टम अत्रिम्फिष्ट अत्रिम्फिशम अत्रिम्फिश्व अत्रिम्फिश्म अत्रिम्फिष्यत अत्रिम्फिष्यताम अत्रिम्फिष्यन् अत्रिम्फिष्यः अत्रिम्फिष्यतम अत्रिम्फिष्यत अत्रिम्फिष्यम अत्रिम्फिष्याम अत्रिम्फिष्याम त्रिम्फ धातु बना मृड प्रृड सुखाने मृड प्रृड सुखाने मृड धातु और प्रृड धातु दो सुख देना अर्थ में सुख देना ये भी सेट ही होते हैं कोई सूत्र विशेष लगना नहीं है मृडति मृडत मृडंति मृडसी मृडत मृडत मृडा में मृडा मृडा ममृड ममृड तो मृडु ममृडित मृड तो ममृड ममृड ममृडि मृडि मृडिता मृडिदारो मृडिदार मृडिदासी मृडदास 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 मृडिशति मृडिशत मृडिशन्ति मृडिशसि मृडिशत मृडिशत मृडिष मृडतु मृडदात मृडदा मृडन्तो मृड मृडदा मृडत मृडत मृडानि मृडा मृडाम अमृडत मृडता मृडत अमृडन् अमृड अमृडतम अमृडत अमृडम अमृडाव अमृडाम मृडे मृडता मृडेयु मृडेहे मृडेदम मृडेद मृडेय मृडेव मृडेव मृड्यात् मृड्यास मृड्यासुः मृड्याः मृड्यास्त मृड्यास्त मृड्यास मृड्यास मृड्यास्म अमृडीत मृडिष्टा मृडिषु अमृडिषु अमृडिः अमृडिष्टम अमृडिष्ट अमृडिषम अमृडिष्व अमृडिष्म अमृडिष्यत् अमृडिषदाम अमृडिष्यन् अमृडिष्यः अमृडिषदम अमृडिषत अमृडिष्यम अमृडिषाव अमृडिष्याम प्रडति प्रडता प्रडति प्रडता प्रडन्ति प्रडसि प्रडत प्रडद प्रडामि प्रडाव प्रडाम पपर्ड पप्रडतु पप्रडो पपर्डि पप्रडतु पप्रड पपर्ड पपर्डि पप्रडि पप्रडिम प्रडिता प्रडितारो प्रडितार प्रडितासि प्रडिदास प्रडिदास्त प्रडितासि प्रडिदास प्रडिदास्म प्रडिशति प्रडिशत प्रडिशन्ति प्रडिशसि प्रडिशत प्रडिशत प्रडिश्यामि प्रडिशाव प्रडिश्याम प्रडतु प्रडता प्रडतां प्रडन्तो प्रड प्रडता प्रडतं प्रडत प्रडानि प्रडाव प्रडाम अप्रडत प्रडतां प्रडन् अप्रडः प्रडतम प्रडत अप्रडम प्रडाव प्रडाम प्रडे प्रडेदां प्रडेयोः प्रडेहे प्रडेदं प्रडेद प्रडेयं प्रडेव प्रडेम प्रड्यात् प्रड्यासं प्रड्यासो प्रड्याः प्रड्यासं प्रड्यास प्रड्यासं प्रड्यासं प्रड्यासः अपर्डीत प्रडिष्टम प्रडिशु अपर्डिः अप्रडिष्टम प्रडिष्ट अपर्डिशम अप्रडिश्व अप्रडिश्व अपर्डिश्यत प्रडिशदा प्रडिशन् अपर्डिश अप्रडिशदम अप्रडिशद अपर्डिशम अप्रडिशव अप्रडिश्याम शुनगतौ शुनदातो गति अर्थ में शुनदातो गति अर्थ में होता है जाना अर्थ में ये भी सेठ ही है नान्त में गिनती नहीं इसलिए सेठ है शुनति लटते शब प्राप्त श हुआ सुनति सुनत सुनति सुनसी सुनत सुनत सुनामी सुनाव सुनाम शुषोण शुशुन तो शुशुनु शुशु शुशोनिध शुशुन थो शुशुन शुशोन शुशुनिव शुशुनिव शुनिता शुनितारो शुनितार शुनितासी शुनितास शुनितास शुनितासी शुनितास्व शुनितास्म शुनिषति शुनिषत शुनिष्यन्ति शुनिषसि शुनिषत शुनिषद शुनिष्यामि शुनिषाव शुनिष्याम शुनतु शुनता शुनताम शुनन्दो शुन शुनता शुनतम शुनद शुनानि शुनाव शुनाम अशुनत शुनताम अशुनन् अशुनः शुनतम अशुनद
असुनम असुनाव असुनाम सुने सुनेदाम सुनेयुः सुनेहे सुनेदम सुनेदा सुनेयम सुनेव सुनेम शून्या शून्यासम शून्यासु शून्या शून्यासम शून्यास्त शून्यासम शून्यासु शून्यास्म अशोनीत अशोनिष्ठाम अशोनिषुः अशोनीः अशोनिष्ठम अशोनिष्ठ अशोनिषम अशोनिषु अशोनिष्म अशोनिषत् अशोनिषताम अशोनिष्यन् अशोनिष्या अशोनिषतम अशोनिषत अशोनिषम अशोनिष्याव अशोनिष्याम।